अगर आप डीप रिलैक्सेशन चाहते हैं, बॉडी में एनर्जी या बॉडी कनेक्टिविटी चाहते हैं, सो दिस एपिसोड इज जस्ट फॉर यू. आप रात को आते हैं यूनिवर्सिटी से या जॉब से या बिजनेस हेक्टिक रूटीन से, तो आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ. आपने वीडियो को लास्ट तक देखते हुए प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ. तो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं जी चांद प्रैक्टिस, जिसको जो है वो मून सल्यूटेशन भी योगा में कहा जाता है. दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग, वेरी अमेजिंग प्रैक्टिस दैट यू कैन डू इट एट होम और एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी रिलैक्स. ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, योगा का वही आपका एक जो है वो नॉर्मल होगा ब्रीथिंग का जो टेक्निक्स होती है. जब अपनी बॉडी को ओपन करेंगे, ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो हम नाक से सांस लेंगे, राइट. और जब हम अपनी जो है पोजिशन को रिलीज करेंगे तो हम उसको एक्सहेल करेंगे, राइट. तो हम एक से पोजीशन से स्टार्ट करते हैं. राइट लेग को पहले हम से स्टार्ट करेंगे. हम इनहेल करते ऊपर जाते हैं. यस, आप इसको परफॉर्म करते हैं मेरे साथ, इसको परफॉर्म करें. देन एक्चुअली यू विल फील द नाइस सेंसेशन. इसको बिल्कुल आपने ऊपर की तरफ उठाना है शोल्डर ब्लेड्स को. यस, एंड एक्सहेल करते हुए आपने राइट साइड पे आना है. राइट साइड पे आ रहे हैं. यस, वेरी नाइस. इनहेल, गेट बैक, शोल्डर्स को उठाएंगे. इनहेल, एक्सहेल करते हुए जी लेफ्ट साइड पे हम लोग आ जाएंगे. होल्ड इट अप 3 to 5 seconds एंड गेट बैक. शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और टांग को उठा के और दूसरी तरफ ऐसे रखेंगे, राइट. स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे. कोशिश करेंगे अगर चेस्ट जो है आपकी स्ट्रेट हो और आपने ज्ञान मुद्रा जो है वो इस तरह टू फिंगर्स को जो कनेक्टिविटी का मुद्रा होता है उसको बंद किया हुआ है. ठीक है, इस पोजीशन में आपने इसको इस तरीके से बंद किया. देन आपने क्या करना है, आपने एक टांग स्ट्रेट इस तरह से रखी, तिरछा पाँव एक को फेसिंग फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है जी, फेसिंग फॉरवर्ड किया और हाथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से रख लेने, राइट. देन आपने क्या करना है, ऑल द वे जो है वो आपने डाउन चले जाना है. एक हाथ स्ट्रेट होगा और एक हाथ जो है आपके पाँव पे होगा. इस तरीके से आपने रखना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देन आपने जो है वो फॉरवर्ड करें, थोड़ा सा नाइसली सा जो है वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें. वेरी नाइस, इस तरीके से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें. जब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लें तो फिर आप थोड़ा सा पेल्विक को स्ट्रेच करें. आप इस तरह से आ जाएं, इसको ज़मीन पर रखें. ठीक है, नी को, और देन आपने अब जो है वो कमर को थोड़ा स्ट्रेच करना. दिस इज़ द कंप्लीट गाइडलाइन, कंप्लीट योगा एक्सरसाइज. आपने इस तरह से इनहेल करते हुए आपने ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से. यस, वेरी नाइस. दिस इज़ वेरी डीप एंड वेरी रिलैक्स्ड जो है प्रैक्टिस. स्लोली एक्सहेल करते हुए ज़मीन पे हाथ रखें इस तरह से. एंड देन आपने इसको मूव करना है इस तरह से. अब आपके जो है नाइसली जेंटली जो है आपकी स्ट्रेच आएगी हैमस्ट्रिंग पे. अगर आपसे खड़ा ना हो, बैठा ना जाए, तो आप इस तरह से भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, राइट. इसको थोड़ा सा, लेकिन आप बैठ सकते हैं तो आप इसको बैठ जाएं और स्ट्रेच यहाँ पे पेल्विक पे आने दें. देन आपने मूव करना है और इसको दूसरी तरफ जो है आपने अपनी हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आने देनी है, राइट. आप कुछ देर इस तरह से रहें, फिर आपने दूसरी तरफ पोजीशन पे कर लेना है जिस पोजीशन में आप पहले थे. इस तरह से इनहेल करते हुए, राइट, आपने अपने जो है नी को ज़मीन पर रखना है, बॉडी स्ट्रेट करनी है एंड देन इनहेल करना है. लंबा गहरा सांस लेते हुए, लंबा गहरा सांस. यस, इस तरीके से आप कुछ देर इसको होल्ड करके कहीं एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ. यस, हाथ रखेंगे इस तरफ और उसके बाद आपने इस पाँव को इस तरह से रख के इस टांग को स्ट्रेट कर लेना है और थोड़ा सा जो है आपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आने देना है. यस, स्ट्रेच, 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 इसको स्ट्रेच आने दें. फिर अगेन आपने जो पहले पोजिशन की थी, एक हाथ स्ट्रेट नीचे और एक हाथ स्ट्रेट ऊपर होगा. इस पोजीशन में आप रहें, इनहेल करते हुए इस पोजीशन में आ जाएं. यस, वेरी नाइस, दिस इज़ नाइस. एंड देन जो जैसे ये पाँव है, इसको पाँव को इस तरह से रखें, थोड़ा सा आप जो है वो बैठ जाएं योगी स्क्वाड की पोजीशन में.
ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये टांग को उठा के दोबारा उस टांग पे रखना है, इनहेल करते हुए बाजू को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, राइट साइड पे मूव करना है इसको, यस स्ट्रेट ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है जी, एंड देन लेफ्ट साइड पे मूव करना है, एंड गेट बैक स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, ये था हमारा, हमने राइट को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और राइट के मसल्स को एक्टिव किया। सेम हम जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे लेफ्ट साइड पे, राइट। हम ये करेंगे, हम इस तरफ आ गए, हमने अब जो है वो जो मसल्स एक्टिव करेंगे वो हमारी लेफ्ट वाली लेग होगी, राइट। आई सजेस्ट यू टू परफॉर्म इट विद मी, देन यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, यू विल एक्चुअली फील इट। इनहेल करते हैं इस तरह से, यस शोल्डर ब्रेस को उठा के रखते हैं, एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे मूव करें नाइसली जेंटली, जितना आप नॉर्मली अपनी बॉडी को राइट साइड पे टिल्ट कर पाए। गेट बैक इनहेल, राइट साइड पे एक्सहेल करें, ठीक है, नाइसली जेंटली जो है वो अपने साइड पे इसको स्ट्रेच दें, वेरी नाइस वेरी नाइस। गेट बैक, गेट बैक, इनहेल करें, स्ट्रेच दें, इनहेल इनहेल, यस। और इस टांग को उठाते हुए आपने इसको यहाँ पे रखना है इस तरह से ज़मीन पे, थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करनी है इसको ज्ञान मुद्रा में, और इस तरह से इसको रखना है, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसी पोजीशन में आप जो है ना वो होल्ड करके रखेंगे, वेरी नाइस। देन आपने इस पाँव को इस तरह से मूव किया, इसको फर्दर इसको फॉरवर्ड मूव किया, और आपने जो है वो अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करके नॉर्मल रखना है, राइट। कुछ देर आप इसको इस तरह से स्ट्रेच करके रखें, उसके बाद आपने ऑल द वे डाउन जिस तरह पहले गए थे, एक आपने हाथ नीचे लेना स्ट्रेट, और एक बाजू आपकी जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी, इस तरीके से एक बाजू आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। इनहेल करते हुए स्ट्रेट हो जाएं, और इस तरीके से थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग जो है उसको एक नाइसली जेंटली जो है वो स्ट्रेच दें, वेरी नाइस। देन इस तरह से जो है वो आ जाएं पोजीशन में, इनहेल करें, अपने जो है वो नींद को ज़मीन पे रखें, घुटनों को बॉडी को उठाएं, स्ट्रेट करें, और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए, नाइसली जेंटली जो है आपकी बैक पे आपको स्ट्रेच मिलेगी, दिस इज़ वेरी नाइस। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आएँ, वेरी नाइस, इसको मूव करें इस तरीके से, और इस तरीके से आप बैठ जाएं, राइट। एक पांव ऊपर की तरफ है, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच है, और ये ज़मीन पे है, ठीक हो गया। एंड अगेन उठ के आपने आना है, और इस तरीके से दूसरी की तरफ आपने स्ट्रेच इसको देनी है, ऑलराइट। फिर आपने मूव किया दोबारा उसी पोजीशन में, इस पोजीशन में इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए अपनी नी को ज़मीन पर रखा, घुटने को बॉडी को स्ट्रेट किया, और आपने जो है वो उठाया अपने बाजू को, फुल आपने जो है वो स्ट्रेच किए, वेरी नाइस। एक्सहेल करते हुए आप ज़मीन पर लेके आए इसको, ऑलराइट। फिर आपने इसको स्ट्रेट किया, और इसको नाइसली जेंटली जो है वो स्ट्रेच दी, स्ट्रेच दे के आपने एक हाथ ज़मीन पर रख लिया, और एक जो है वो ऊपर की तरफ आपने इसको इस तरीके से हाथ रखा, ऑलराइट। उसके बाद आपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, ये आपके पाँव हैं इस तरह से, ये फेसिंग फॉरवर्ड है, और ये इस तरह से रहेगा, वेरी नाइस। एंड देन अगेन आपने इसको स्क्वाट पे आ जाना है, बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी है, ज्ञान मुद्रा में आप आ गए हैं, ठीक है जी। दम वगैरह सांस भरना है, और एक टांग को उठा के हम दूसरी की तरफ रखना है, इसको आपने लंबा स्ट्रेच करना है, शोल्डर्स को उठाना है, राइट साइड पे मूव करें, एंड देन शोल्डर्स उठाएं, लेफ्ट साइड पे मूव करें, एंड गेट बैक, शोल्डर उठाएं,
and get relaxed. Yes, ये थे जो आपने left muscles को leg के muscles और पूरी body के right के लिए आपने दो round at least करने होंगे, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी body को neutralize करने के लिए, normally relax करने के लिए child position में चले जाएं, आगे की तरफ हाथ फैलाएं, नीचे की तरफ shoulder करें और deep एक जो है ना वो relaxation feel करें. आप ज़रूर इनको perform करें और अपना कीमती feedback जो है वो comment में हमें ज़रूर दीजिएगा. And I'm sure you like the video. If you do, so hit the like button. और अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया channel को, तो channel को subscribe भी करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Video देखने के लिए बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.